नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में हम आपको लद्दाख आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे, जो कि आपका पार्ट बी होगा, जो कि जनरल साइंस का है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट वन आपका जनरल नॉलेज का खत्म कर लिया था, तो आज हम आपका पार्ट बी जनरल साइंस का कराएंगे। आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होगा, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना लाइव चैट में टेस्ट भी लगाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहाँ पर आपका 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपका पार्ट बी है। हमने पार्ट वन 1 से 15 डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द हीटिंग एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल, यानी कि बिजली के हीटर का एलिमेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि बिजली के हीटर का एलिमेंट कौन से धातु का बना होता है। तो बिजली के हीटर का एलिमेंट जो बना होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी कमेंट करके बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आपका चांदी होता है, इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप सभी फौजी भाइयों लोगों से पूछा है कि जब नीला लिटमस पेपर को एसेटिक अम्ल में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, आपको बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको एक बात बोल दूं, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 2017 के एग्जाम में भी आया था। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका 2017 के एग्जाम में भी आया था, आप इसे भी ध्यान रखना है। और मैं आपको एक जरूरी बात बोल देता हूं, हम इस चैनल पे 2012 से लेकर के 2020 तक का जितना भी इंडियन आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, हम आपको इस चैनल पर डिस्कस करा देंगे। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर लीजिएगा। तो देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल यानी कि गति बताना है, कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जल्दी से बताना है। ऑप्शन है आपका 330 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी आपका 350 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकंड, या ऑप्शन डी 211 मीटर पर सेकंड, जल्दी से बताना है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या होती है? तो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो होता है वो आपका 332 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त कमेंट करके बताया है, 332 मीटर पर सेकंड, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है, उनका एकदम राइट है। जो ओम बताया है उनका एकदम राइट है। और विद्युत धारा का जो होता है वो आपका एम्पियर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका NaCl होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो मेरे दोस्त बताया है NaCl, उनका एकदम राइट है। और KCl जो होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इन चारों ऑप्शन जो है, देखिए यहां पर एक बात बोलूं कि चारों ऑप्शन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हम ऑप्शन के मतलब कि ऑप्शन में से छांटते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बल्ब आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, यहां पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 32 डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू, यानी कि 32 डिग्री फारेनहाइट जो होता है और कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9, इसका फॉर्मूला होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको सी का मान दिया है तो यहाँ पर आप सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर आपको फारेनहाइट में मान दिया है तो आप फारेनहाइट का यहाँ पर मान चूज कर लीजिएगा, और आपको फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में बदल के ऑटोमेटिक किया जाएगा, आप गुणा भाग कर लीजिएगा, आपका आएगा इसका राइट आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस जो मेरे दोस्त बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। और कम से कम दो बंदों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, ओरिजिनल पेपर का ही है, तो जाकर के अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। हम आपको बिल्कुल फ्री में PDF भी दे रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। हम आप
आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे देंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमें भी आप सपोर्ट कर दिया करिए, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है, जल्दी से बताना है खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी नापने की इकाई जो होता है वो आपका प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन है, बी में है आपका हाइड्रोजन, सी में है ऑक्सीजन या डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताना है शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है। तो शीतल पेय में जो भरा जाता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के भी नाम से जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है, और प्राणवायु के नाम से हम लोग ऑक्सीजन को जानते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, यानी कि ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका डेसिबल है, ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन सी जूल है, या ऑप्शन डी घंटे है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्वनि की चाल जो नापी जाती है वो आपका मीटर पर सेकंड में नापी जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, और 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इज, यानी कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। जल्दी से बताना है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है वो आपका मीथेन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 होता है, इसे भी ध्यान में रखना, यह भी आपका आर्मी जीडी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, और 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉज्ड व्हिच डिजीज, यानी कि हमारे शरीर में जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से जो होता है वो आपका अस्कर्वी रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मैंने फौजी भाई लोग ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और देखिए घेंगा से जो होता है वो आपका आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसे भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, आपको बताना है कि विच मेटल वाज यूज फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ। जल्दी से बताना है पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु जो होता है वो आपका तांबा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका लाल है, ऑप्शन बी पीला है, ऑप्शन सी नारंगी है, ऑप्शन डी नीला है। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का कलर जो होता है वो आपका पीला हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो पीलिया और पीला, ऐसे भी आप लोग ये करके याद रख सकते हो। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत कितना होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो आपका 21 यानी कि 21% होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नाइट्रोजन का जो होता है आपका 78% होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। मेरे दोस्त मैं आपसे बोलता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्टेटस पर भी शेयर कर सकते हो। मेरे दोस्त मैं आपसे बार बार बोलता हूँ अपने दोस्तों को बताओ, हम इस चैनल पर एकदम आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको एकदम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming.